आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और लाजवाब मटर पनीर की रेसिपी। और इस ग्रेवी का कलर देखिए आप, टेक्सचर देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी ये बहुत ही बढ़िया और लाजवाब लगती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 प्याज, 12-15 लहसुन की कली, 1 टमाटर, थोड़े से धनिया के पत्ते और 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च यहाँ पे ऑप्शनल है, पसंद है तो ही डालें या फिर इसे आप स्किप भी कर सकते हो। और खड़े मसाले में हम लेंगे 2 तेज पत्ता, 1 कलमी, 4 लौंग, 1 जावित्री, थोड़ा सा सूखा नारियल लेंगे, 12 से 14 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 1 चक्रफूल और सबसे लास्ट में 1 चम्मच साबुत धनिया। सबसे पहले तो हमें सभी मसाले को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम सभी मसालों को मिक्सी के अंदर डाल देंगे। प्याज, टमाटर और जो सूखा नारियल था उसको मैंने रफली चॉप करके डाला है, और जो खड़े मसाले थे वो डाल देंगे, और सबसे लास्ट में 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और इसे हम मिक्सी में से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और हाँ, जब भी हम मसाले मिक्सी में से ग्राइंड करेंगे उसमें कोई भी पानी ऐड ना करें, क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी होता है तो उससे हमारा मसाला का पेस्ट बहुत अच्छी तरीके से बारीक हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा मसाला बनके तैयार है। और मसाले को ऐसे ही थोड़ा सा दरदरा रखिए, क्योंकि इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी हम 1 प्लेट में सभी पीसे मसाले निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। मैंने यहाँ पे एवरेस्ट का चिकन मसाला डाला है, बट अगर आप चिकन मसाला नहीं खाते हैं तो आप गरम मसाला भी यूज कर सकते हो। और सबसे लास्ट में स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे। तो 200 ग्राम पनीर ले लेंगे, और पनीर को मैंने पहले ही क्यूब पीसेस में कट कर लिया था। और 1 कप हरी मटर लेंगे, ये ताजा मटर है जो अभी मार्केट में मिल रही है। तो सभी प्रिपरेशन हो गई है हमारी। तो अभी हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल थोड़ा सा आपको ज्यादा लग रहा होगा, बट इतना तेल हमें लगेगा ही, क्योंकि पनीर को भी हमें तेल में ही फ्राई करना है और मसाले को भी हमें तेल में ही बहुत अच्छी तरीके से भुनना है, तो इसलिए हमें इतना तेल लगेगा ही। तो अभी हम मीडियम फ्लेम पे पनीर को अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए जो पनीर है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे 1 प्लेट में और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। तेल को थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें तेज पत्ता और मसाला डालेंगे। अगर हम गरम गरम तेल में ही तेज पत्ता और मसाला डाल देंगे तो वो जल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे तेज पत्ता और मसाला तेल में डाल दिया है। तो अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और गैस का फ्लेम अभी भी हम लो पे ही रखेंगे जब तक हम मसाले को अच्छे से मिक्स ना कर दें। तो ये देखिए मसाला जो है तेल में अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हम गैस का फ्लेम मीडियम पे करेंगे और बीच बीच में चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि मसाला जो है वो नीचे से जले ना। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे 2-3 चुटकी पनीर के ऊपर डालेंगे और पनीर को अच्छे से कलर में मिक्स कर लेंगे। ज्यादा कलर नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है और मिक्स करना है। अभी हमें मसालों को तब तक भूनना है जब तक कि मसाला तेल छोड़ना शुरू ना करे। तो ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी हम सबसे पहले गैस का फ्लेम लो करेंगे और सभी पीसे मसालों को मसाले के अंदर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मसालों के अंदर मिक्स कर लेंगे। 10-20 सेकंड ही हमें पीसे मसालों को तेल में अच्छे से भूनना है और 3 कप गर्म पानी डाल देंगे। और मिक्सी में जो मसाला बचा रहता है ना, मैंने उसी में पानी डाल के उसको अच्छे से साफ करके साइड वाले गैस पे मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया था, तो वही पानी डाला है मैंने यहाँ पे, ताकि हमारा कोई भी मसाला वेस्ट ना जाए। तो 1 चम्मच बटर डाल देंगे हम और 1 हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। और अभी हम मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला तेल छोड़ना शुरू ना करे। तो ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अभी हम 1 कप मटर डाल देंगे
मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसी स्टेज पे हमें फिर से 3 कप पानी और डालना है, तो 3 कप गर्म पानी डालेंगे हम और मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे से। और अभी हम इसके ऊपर ढक्कन रख के मटर को पकाएंगे, और ढक्कन के ऊपर कोई भी ऐसी हेवी चीज रखेंगे जिससे स्टीम बाहर ना निकले और मटर जो है वो बहुत जल्दी पक जाए। और गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देंगे। तो मुझे यहाँ पे 10 से 12 मिनट लगे थे मटर को पकाने के लिए। तो अभी हम ढक्कन को निकाल देंगे। और हाँ, मैंने सब्जी को बीच में 2 बार चेक किया था, तो इसलिए आप भी बीच में 1-2 बार सब्जी को जरूर चेक कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको भी मटर पनीर पसंद है या नहीं। तो अभी हम चेक कर लेंगे जो मटर है वो पका है या नहीं। तो ये देखिए, मटर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अभी हम गैस का फ्लेम मीडियम पे ही रखेंगे और पनीर को डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, मिक्स कर लेंगे अच्छे से एक बार, और एक हरी मिर्च डालेंगे, और सबसे लास्ट में डालेंगे 1/2 चम्मच नींबू का रस। तो ये देखिए, ग्रेवी ना ज्यादा पतली है ना गाढ़ी है। तो अभी हम इसी स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के बाद ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये रेस्टोरेंट से भी ज्यादा खाने में अच्छी लगती है। तो इसे मैंने मेरे स्टाइल में बनाया है। तो इस रेसिपी को एक बार इस तरीके से जरूर बनाइए, और मैं मिलूंगी आपको एक नए रेसिपी के साथ।